नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी असंध में। आज हम सेवन्थ क्लास विषय गणित चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 जो 1.1 चली हुई है हमारी, उसके हमने कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। मोहन अपने खाते में कितने रुपए जमा करता है भाई? 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। भाई एक छोटी सी बात है, अगर आपके पास जो आपका मनी बैंक है, ठीक है, अगर आप घर वाला जो छोटा सा मिनी मनी बैंक है, अगर आप उस आपके आपने उसमें 100 रुपये जमा किए और आपने उसमें से 40 रुपये निकाल लिए तो कितने रुपये बचे भाई? 60 रुपये बचेंगे। और कैसे पता किया भाई हमने? जो हमारे पास कुल रुपए थे और जो हमने निकाले थे, उन कुल रुपयों में से निकाली गई राशि को क्या किया भाई? माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या है भाई? जो हमारे खाते में शेष बच गए हैं वो राशि पता चल गई। तो ऐसे ही यहाँ पे है। तो मोहन ने अपने खाते में कितने रुपए जमा करवाए? कैसे लिखेंगे हम? खाते में जमा की गई राशि, क्वेश्चन नंबर 5 यानी उसका आंसर क्या रहेगा? खाते में जमा की गई राशि कितने कितने रुपए जमा किए गए भाई? 2000 रुपये। 2000 रुपये, ठीक है। और खाते में से कितने रुपए निकाले गए भाई, वो भी तो लिखना अभी। और खाते में से निकाली गई राशि कितनी है, और खाते में से निकाली गई राशि कितने रुपए निकाले गए भाई? 1642 रुपये, ठीक है, 1642 रुपये। अब निकालने के पश्चात शेष राशि क्या बचेगी भाई? क्या खाते में से जो पैसे जमा किए थे उनमें से 1642 हमने निकाल लिए तो शेष कितने बचेंगे वो निकालने हैं। तो निकासी के पश्चात शेष राशि क्या बचेगी भाई? जो हमारे पास कुल राशि थी 2000 माइनस जो हमने निकाल लिया 1642। तो अब हम इसको घटाएंगे, घटाओ, यहाँ से 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, तो कितने रुपए बचे भाई? 358 रुपये शेष बचे, ठीक है। कितने रुपए बचे भाई? 358। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः निकासी के पश्चात बैंक खाते में ₹358 शेष बचे, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, जो हमने जमा किया थे और जो हमने निकाला था उसको क्या कर दिया
जो मोहन ने जमा की थी राशि और जो मोहन ने निकाली थी उसको क्या कर दिया भाई, घटा दिया। तो जो घटा दिया और जो शेष आया वो क्या आया, खाते में शेष राशि है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो ये हमारी दिशाएं, ऊपर क्या है भाई हमारा उत्तर, नीचे दक्षिण, यहां पे पूर्व, पूर्व और यहां पे पश्चिम। देखो भाई रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, ये हमने मान लिया भाई बिंदु ए है हमारा, और पूर्व की ओर क्या कर रही है वो, बिंदु बी तक, यहां तक गई, और कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बिंदु बी तक गई। दूरी तय करती है उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम में, यही सड़क है। ठीक है, फिर इससे ही एकदम कितने किलोमीटर चलती है वो भाई, बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी, देखो यहां से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये कितनी लंबाई आ गई, 30 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलती है भाई, 30 किलोमीटर। इसका नाम दिया हमने ए बी सी। ठीक है, क्या पूछ आगे क्या है भाई, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, देखो ये पूर्व की ओर जो गई है हमारी दूरी जो कि तय की गई है रीता द्वारा, अगर हम उसको धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक तो हमने क्या निकालना, बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी तो हमें पता है 20 किलोमीटर है, और बिंदु बी से सी की दूरी, देखो बी से सी की दूरी कितनी है भाई, 30 किलोमीटर, और बिंदु ए से बी, ए से सी की दूरी कैसे निकाल लेंगे हम, ए से सी की दूरी कैसे निकाल लेंगे, यदि हम बी और सी माइनस ए बी कर दें तो क्या जाएगा भाई, 30, देखो 20 माइनस या 30 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और सी की जो दूरी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे ये हमारे पास ये बीच में हमारा ओ पॉइंट, यहां पे ए, ये बी, यहां से चली गई रीता कितने, 20 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर वापिस यहां पे हमने सी बिंदु लगा लिया, तो ये कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। हमने क्या निकालना, बिंदु ए और सी की दूरी निकाल लेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी की दूरी कितनी है भाई, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है यहां तक। उसके बाद बिंदु बिंदु बी और, देखो बी से सी की तरफ आई, यानी यहां पर ये पश्चिम है हमारा, ये पूर्व, बिंदु बी से बी और सी की दूरी कितनी होगी, 30 किलोमीटर।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना, बिंदु ए और सी की दूरी, बिंदु ए और सी की, बिंदु ए से सी की दूरी, या बिंदु ए और बी की, बिंदु ए से बिंदु बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी, बिंदु बी से सी की दूरी, और बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी क्या होगी भाई? बी, देखो ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी, और हमारे पास बी सी कितना भाई? 30, और ए बी कितना? 20, घटा के कितना आया? 10। तो ये क्या होगा हमारा, रीता की अंतिम स्थिति बिंदु ए से सी की तक की पूर्णांक क्या होगा भाई? हमने क्या करना, ए से सी की दूरी निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, ए बी माइनस बी सी, तो ए बी कितना हमारे पास? 20 और -30, तो क्या आएगा भाई? माइनस का 10। देखो यहाँ से जो हमारा, जहाँ से वो बिंदु ए से चली थी उससे कितने पीछे है वो? 10 पीछे है, तो उसको किस में लिखेंगे भाई? माइनस में। तो क्या लिखेंगे भाई, रीता की अंतिम स्थिति स्थिति रेता की अंतिम स्थिति को बिंदु ए से बिंदु सी तक पूर्णांक -10 से निरूपित करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे अभी? -10 से, और ये किस में आया था? किलोमीटर में। समझ में आया भाई क्वेश्चन? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या है भाई? ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। तो हमने क्या करना है, इन इन मानों को इन में रखना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है कि भाई ये जो ए माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी बराबर होगा किसके? ए प्लस बी के। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 8th क्वेश्चन का, ए बराबर और बी क्या है? 18, ठीक है। और जो हमारे पास ये चीज़ दे रखी है इसको यहाँ लिखेंगे, हमने सिद्ध करनी है ए प्लस बी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, ए का मान यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, और बी का मान भी। तो रखो यहाँ पे, ए का मान कितना है यहाँ पे? 21, माइनस बी का मान कितना? 18। फिर ए का मान कितना? 21 प्लस 18, 21 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई? 18, 21 प्लस 18 जोड़ेंगे इसको, 9, 39, ये भी क्या होगा? 39। तो ये जो हमारा, ठीक है भाई, इन मानों के लिए ए 21 और बी बराबर कितना? 18। इन मानों के लिए ये क्या है भाई? ठीक है,
अतः नीचे लिखेंगे हम, अतः ए माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस बी, अतः ए का सत्यापन हो गया, सत्यापन हो गया। सत्यापन मतलब सत्य कब होगा भाई, जब ये दोनों क्या होंगे बराबर, देखो ये वाली संख्या इस संख्या के बराबर होगी, ठीक है, तब ये क्या होगा, जो ये मान दे रखे हैं इसके वो सत्य होंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, ए बराबर कितना हमारा 118 और बी बराबर 125, वही करना है हमने, ए के मान यहाँ पे रखने ने रख के देखना है, बी का मान 125 बराबर, ए बराबर कितना हमारा 118 प्लस बी बराबर 125। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 118 माइनस माइनस प्लस 125, यहाँ पे क्या है 118 प्लस 125, जोड़ेंगे इसको 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2, यहाँ भी क्या आएगा भाई 243। तो देखो यहाँ पर जो a के मान दे रखे थे इसके लिए क्या हुए भाई, सत्य हुए, तो ये हमारे लिए क्या होगा भाई, अतः a माइनस ब्रैकेट माइनस b बराबर a प्लस b के लिए सत्यापन है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या भाई हमारा, ए बराबर 75 और बी बराबर कितना है 84, 75 ए का मान है और 84 बी का। फिर यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख के देखेंगे, ए का मान कितना 75 माइनस बी का मान कितना 84 बराबर 75 प्लस 84, 75 माइनस माइनस प्लस 84, 75 प्लस 84, इनको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 8 और 7 15, ऐसे यहाँ पे 159। तो ये मान भी क्या हो गए भाई, अतः ए और बी का सत्यापन हो गया। यहाँ लिखेंगे जब ये बराबर है तो अतः ए बराबर ए प्लस बी का सत्यापन हो गया, ठीक है। जब भी ये बराबर आते रहेंगे तो सत्यापन होता रहेगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का, ए बराबर 28 और बी बराबर क्या है भाई, ग्यारह भाई, बी बराबर 28 और 11, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे 28 प्लस 11 9 3 9 और 3। देखो यहाँ पर भी क्या रहे हैं, मान बराबर आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा भाई, ए का मान आता है ए माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस बी बराबर ए प्लस बी का मान क्या होगा भाई, सत्यापन हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सोल्व हो गया है। क्या आगे हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या, 9th क्वेश्चन क्या है भाई, 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है भाई, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बक्स में संकेत
देखो ये होता हमारा ग्रेटर देन और ये होता लेस देन, अथवा इक्वल का उपयोग कीजिए। ये हमारे पास 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या भाई, -8, माइनस का 8, -4, बीच में बॉक्स है, -8 और 4। इसको सॉल्व करेंगे, -8 प्लस माइनस -4, बीच में खाली बॉक्स, माइनस का 8 और प्लस माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 कितने हो गए भाई, 12 माइनस के। और यहाँ पे देखो भाई माइनस का 8 बड़ा, माइनस के 8 में से 4 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 4। देखो भाई ये क्या चीज़ है, माइनस के 12 और माइनस के 4 में से हमने ये पता करना कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। कौन सी संख्या बड़ी है भाई इनमें से, माइनस के 4 वाली संख्या क्या रहेगी बड़ी, क्योंकि ये देखो अभी भी माइनस में ज़्यादा है, -12। अगर हम इसको 0 पर लेकर आएंगे तो कितने की ज़रूरत है इसको, 12 की। अगर हम इसको 0 पर लेकर आएंगे तो कितने की ज़रूरत है, 4 की। तो सबसे इनमें से बड़ी संख्या कौन सी हुई, माइनस का 4। तो इसमें कौन सा निशान आएगा भाई, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे, 9th क्वेश्चन का बी पार्ट। माइनस का 3 प्लस 7 माइनस 19 बॉक्स, 15 माइनस 8 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 9। सॉल्व करेंगे इसको, -3 प्लस 7 माइनस का 19 हो जाएगा, देखो अंदर प्लस में होगा और प्लस माइनस माइनस बॉक्स, 15 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस, यही है। देखो यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 19 कितना हो गया भाई, माइनस के 22 बॉक्स, यहाँ पे 15, 9 और 8 16, किस चीज़ के, माइनस के। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा भाई, माइनस का 15 बॉक्स, यहाँ पे देखो कितना बचा भाई, माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है यहाँ पे, ये वाली, क्योंकि 0 पर जाने के लिए इसको कितने की ज़रूरत है, 1 की, और इसको 0 पर आने के लिए कितने की ज़रूरत है, 15 की। तो सबसे इनमें से बड़ी संख्या क्या हुई, माइनस का 1। नेक्स्ट पार्ट है भाई हमारा इसका, ये समझ में आया, सी पार्ट। तेईस माइनस 41 प्लस 11 बॉक्स, 23 माइनस 41 माइनस 11। देखो 23, देखो 23 प्लस का और 11 प्लस का जोड़ेंगे इनको कितना हो जाएगा, 4 34 माइनस 41 बॉक्स, 41 और 11 माइनस माइनस किया तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 5 52 हो जाएंगे। घटाएंगे इसको, 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे किस चीज़ का 7 आया अभी, माइनस का, और यहाँ पे 12 में से 3 गए 9 2, ठीक है, किस चीज़ के, माइनस के। अब यहाँ पे देखो भाई कौन सी संख्या इनमें बड़ी है, -7, तो कौन सा निशान आएगा भाई इसमें, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अभी हमारा डी। डी पार्ट क्या भाई, 39 प्लस ब्रैकेट माइनस के 24 माइनस 15 बॉक्स, 36
प्लस ब्रैकेट माइनस 52 माइनस माइनस का 36, 39 प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 15, ब्रैकेट 36 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 39 माइनस माइनस का जोड़ेंगे 9, 3, यहाँ पे 36 और 36 72 माइनस 52, यहाँ पे कितना बचा भाई 0, प्लस के 39 में से माइनस के 39 का 0 और यहाँ पे प्लस के 20 बचे भाई। तो इनमें कौन सी संख्या बड़ी हुई भाई, एकदम क्लियर दिख रहा है भाई 20 यहाँ पर बड़ा रहेगा, तो हमने निशान लगाया ये वाला। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ई पार्ट, माइनस का 23 प्लस बॉक्स माइनस 399, 23 नहीं है भाई यहाँ पर, 231 है और यहाँ पे माइनस का 399 प्लस 159 और प्लस में 81, इसको सोल्व करेंगे। माइनस का 231 प्लस के हैं दोनों जोड़ेंगे 0, 7 और 5 12 और 1 13 प्लस यहाँ पे बॉक्स, माइनस का 399 प्लस इनको जोड़ेंगे 0, 8 और 5 13 और 1 14 240, इसको इसमें से घटाएंगे 101, इसको इसमें से घटाएंगे 951 माइनस के। तो यहाँ पे देखो भाई कौन सी संख्या इनमें सबसे बड़ी है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें बड़ी संख्या रहेगी हमारी 101, तो निशान ये वाला लगेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखो बच्चों, आज हमने जो सम सॉल्व किया है उनको क्या करना है, आपको कॉपी पे साफ साफ लिखना है, उसको आपने एज ए होमवर्क तैयार करना है और उस होमवर्क को आप क्या करेंगे, हमारे एकेडमिक नंबर पर सेंड करेंगे उस होमवर्क की पिक। कौन से नंबर पे सेंड करोगे, 7876128600 इस नंबर पर उस होमवर्क की पिक सेंड करेंगे। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।